दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है और कोई भी मर्डर केस सीबीआई तक कैसे पहुंचता है? जैसे कि हीरो सुशांत सिंह का मैटर सीबीआई संभाल रही है, आखिर कैसे, जानिए आज की वीडियो में। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि देश ने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है और वो है सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई इंक्वायरी के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है। ऐसे में कई दिनों से देश का हर एक नौजवान इस मुहिम में लगा हुआ था कि कैसे भी करके इस केस में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला पाए, और जब ये चीज ऑफिशियल हो गई तो लोगों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी है। पर दोस्तों क्या कभी आप लोगों ने सोचा है क्यों सीबीआई इंक्वायरी के लिए इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा था? आखिर सीबीआई क्या करती है, कौन है, उसका काम करने का तरीका क्या है? अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना है तो आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में आपको सीबीआई से जुड़ी एक एक बात बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि कोई चीज जनता के मन को खटकती है और वो बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर उसके बारे में लिखते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब कई सारे मामलों में जनता ने सीबीआई मांग की है, लेकिन आज तक जो रिकॉर्ड सुशांत सिंह राजपूत के केस ने बनाया वो शायद किसी ने नहीं बनाया। क्योंकि जब से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका मर्डर हुआ है, क्योंकि इन दोनों ही बातों का आपस में बहुत बड़ा ताल्लुक है, और वो ताल्लुक क्या है ये सीबीआई जांच ही पता लगा सकती है, और इसी वजह से सीबीआई जांच मांगी गई है। ऐसे में दोस्तों चलिए आज आपको सीबीआई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि क्यों जनता इन पर इतना विश्वास करती है। दोस्तों अगर हम शुरुआत से ही बात करें तो 1963 में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का गठन हुआ था। हालांकि जब शुरुआत हुई तो भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे मामले ही सीबीआई के हत्थे चढ़ते थे, लेकिन बाद में इसमें हत्या और इसके अलावा जो गंभीर अपराध है उन सभी चीजों के लिए जब किसी राज्य की पुलिस टीम ठीक से काम नहीं कर पाती है तो केस सीबीआई को दे दिया जाता है, ताकि वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करे। जब सीबीआई का गठन हुआ तो इसे कई हिस्सों में बांटा गया, जहां एंटी करप्शन डिवीजन जिसमें भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के केस का इन्वेस्टिगेशन ये डिपार्टमेंट संभालता है। ऐसे में एंटी करप्शन डिवीजन सबसे बड़ा हो गया क्योंकि इसमें सरकारी लोगों द्वारा की गई हरकतों पर नजर रखनी होती है, जिसके लिए बहुत ही हायर ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो चीजों को हैंडल कर पाए। दोस्तों उसके बाद आता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन। जैसा कि नाम से ही समझ गए होंगे कि जितने भी इकोनॉमिक फ्रॉड या इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, यानी कि वित्तीय मामले जिसमें कोई भी गड़बड़ियां होती है या फिर कोई भी फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी के साथ साथ विदेशी मुद्रा अतिक्रमण, पुरातन विभाग की चीजें या फिर सांस्कृतिक चीजों की बढ़ती तस्करी हो, यानी कि ऑल टोटल अगर कहें जो चीजें देश की इकोनॉमी से जुड़ी होती है वो सभी इस डिपार्टमेंट में आती है। ऐसे में इनको संभालने का सारा जिम्मा इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन को जाता है। अब दोस्तों आता है स्पेशल क्राइम डिवीजन। इस चीज में अगर कहीं पर बम ब्लास्ट हो जाए या फिर कहीं पर आतंकवाद का केस हो या कोई संवेदनशील मुद्दा हो जिसमें हत्या के सनसनीखेज मामले सामने आए या फिर माफिया या अंडरवर्ल्ड जैसी चीजें हो, तो इस तरह के जितने भी मामले होते हैं वो स्पेशल क्राइम डिवीजन को थमा दिए जाते हैं। अब चले दोस्तों हम आपको बता दें कि आखिर कोई भी केस सीबीआई तक कैसे पहुंचता है और इसकी अनुमति कैसे मिलती है और कौन इसे कर सकता है। ऐसा होने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर कोई राज्य ये सिफारिश करे, जैसे कि बिहार राज्य ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोशिश की कि सीबीआई तक जांच पहुंचाई जाए, तो उन्होंने अपनी पूरी एडी से लेकर चोटी तक का बल लगा दिया, जहां पर सबसे पहले तो बिहार राज्य ने सिफारिश की और फिर केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके उस अधिसूचना के जारी होने के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। और जैसे ही सीबीआई के हत्थे कोई केस चढ़ता है वैसे ही तुरंत वो लोग स्टेट पुलिस के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होती है सब कुछ वहां से टेक ओवर करते हैं। कोई भी चीज छूटने नहीं पाती है, क्योंकि अगर कुछ भी छूट गया तो बाद में ये पता चला कि स्टेट पुलिस ने छुपाया है तो उन्हें भी मुजरिम समझा जाता है। अब दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट गया था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को कुछ समय की मोहलत दी ताकि वो जितनी भी चीजें इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है उन्हें कोर्ट के सामने पेश करें। अब नतीजा हम सब लोगों के सामने है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए हां कर दी है, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र पुलिस सही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश करने में पीछे रह गई और इसी वजह से ये केस सीबीआई के हत्थे चढ़ा है।
जहां अब पूरा देश उम्मीद में है कि सीबीआई निष्पक्ष होकर इस केस को सॉल्व करेगी ताकि सुशांत सिंह को न्याय मिल सके। और न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को बल्कि हर उस शख्स को न्याय मिले जो इस उम्मीद से अपने घर से निकलता है कि वो किसी बड़े शहर में जाकर अपना नाम कमाएगा, वहां हर वो बुलंदियों को हासिल करेगा जो वो करना चाहता है। बाकी दोस्तों, जनता का आक्रोश तो हम देख ही सकते हैं कि किस तरह जनता ने हर एक चीज को न सिर्फ सही से समझा बल्कि सही से उसके प्रति फैसला भी ले रही है। और हमें पूरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मिलकर पिछले 2 महीने से ये लड़ाई लड़ी है और तब जाकर अब हमें सीबीआई जांच के लिए हां मिली है। ऐसे में हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो इस देश के भाई भतीजावाद जैसी चीजों को हटाकर एक्चुअल का टैलेंट देखना चाहते हैं। और अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो जो चीजें आपने ट्विटर और इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह फैला दी थी वही चीज आप हमारे कमेंट बॉक्स पर भी जरूर लिखना, जहां हम भी चाहते हैं कि हमारा पूरा कमेंट बॉक्स जस्टिस फॉर एसएसआर से भर दे ताकि हम ये समझ सकें कि आप भी देश में उस सिनेमा और उस टैलेंट के साथ है जो वाकई में टैलेंट कहलाने के लायक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।